अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अफगान सलवार। इजी मेथडों पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो फैब्रिक है मैं फोल्ड करके लिया हूँ, दो बार इसे मैं फोल्ड किया हूँ, चार लेयर में इसे ले चुकी हूँ। और ये है मेरी जो फोल्ड साइड है ये, और मेरी हाथ की दाएं साइड में है मेरी ओपन। तो यहाँ पे मैं जो करूँगी, मेरी नॉर्मल जो सलवार है उससे मैं यहाँ तक यहाँ पे इस तरह से मैं बिछा दूँगी, और नॉर्मली जो मेरी नाप है उससे मैं 4 इंच ज़्यादा लूँगी, यानी कि जो मेरे मेजरमेंट है इसे, क्योंकि अफगान का सलवार जो होती है वो बहुत ही घेर होती है और नीचे से भी बहुत घेर होती है, इसलिए यहाँ से मैं 4 इंच ज़्यादा लूँगी। लेकर मैं यहाँ से मैं 4 इंच लूँगी, मेरी हाथों से मैं नाप रही हूँ यह है 2 इंच। पर तो यहाँ पे होगा 4 इंच, तो 4 इंच पे मैं यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ। और यहाँ से भी मैं 4 इंच ज़्यादा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे फोल्ड करनी है और मेरी ये नीच का जो ये जो हिस्सा है मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बड़े हो, इसलिए मैं 4 इंच ले रही हूँ। अगर आप छोटे चाहते हैं तो कम लीजिए। और यहाँ से भी मैं 2 इंच लूँगी, यानी कि मेरी कमर जो है वहाँ से लूँगी 4 इंच और यहाँ से मैं लूँगी 2 इंच। लेकर एक राउंड सा शेप दे दिया है मैंने यहाँ पर, आप शायद यहाँ पर देख रहे हैं ये मैंने मार्क किया हुआ है। काट लिया है, देखने में बहुत सा ऐसा होगा। ये मेरी रॉन्ग साइड है और ये जो है मेरी राइट साइड है। तो अब जो मैं करूँगी, एक पीस को मैं निकाल लूँगी, उसके बाद राइट साइड को राइट साइड में रख कर मैं इसे सिलाऊँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है मेरी राइट साइड, इस तरह ये राइट साइड है, ये राइट साइड और ये राइट साइड। मैं एक इस तरह से रख कर मेरी जो क्रॉच है, दो पैर की जो क्रॉच है वो मैं सिलाऊँगी। ये है मेरी क्रॉच एरिया, मैं ऊपर से 4 इंच ज़्यादा लिया हूँ क्योंकि मुझे बेल्ट कर बर्न करना है, उसमें इलास्टिक डालना है, इसलिए मैं 4 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। एग्जांपल मेरी जो क्रॉच का जो लंबाई है वो है 9 इंच, मैंने 4 इंच ज़्यादा लिया है, यानी कि 13 इंच। तो इस तरह से मैं यहाँ पे और वो सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है और यहाँ पर भी मैंने कर ली है। और जो करूँगी, ये जो पीस है मैं इस तरह से ओपन करके, ये हो गई मेरी दो पैर, और ये जो साइड है ये क्रॉस एरिया को इस लाइन से मिलाऊंगी और दो जो पैर है मैं नीचे से सिलाना शुरू करूँगी और सेकेंड जो पैर है उसे जाकर ख़त्म करूँगी। पर यहाँ पे एक और चीज़ करना है, दो पैर सिलाने से पहले, यहाँ पे मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे इलास्टिक बैंड यहाँ पे मैं अटैच करूँगी। ये मेरी लंबाई का मार्क है जहाँ पे मेरी लंबाई होगी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं सिलाई के लिए अंदर कर लूँगी फोल्ड करके। ये है मेरी फोल्ड के लिए, इस तरह से मैं इसे फोल्ड करके, और ये जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ पे मैं सिलाई करूँगी, यहाँ पर मैं सिलाई करूँगी। यहाँ मैंने सिलाई कर ली है, इसे फोल्ड करके दो बार फोल्ड किया, उसके बाद मैं सिलाई कर चुकी हूँ। और अब ये मेरी क्रॉच का जो एरिया है वो मैं सिलाई करना शुरू करूँगी नीच से। यहाँ से मैं सिलाई करके उस पैर तक ले जाऊँगी। और ये जो कमर है, कमर को मैं एक बार फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके यहाँ पे मैं
एलास्टिक बैंड अटैच करूँगी। यहाँ तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, बाय।